हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दानिश इफ्तखार और आज हम एक और टॉपिक जो कि आपकी FA2 सब्जेक्ट का है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक का जो नाम है वो है बेसिकली टेंजिबल नॉन करंट एसेट। और हम डिटेल में सीखेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स इन FA2। सो कोशिश होगी कि इसको जितना सिंपल बनाया जाए वो सिंपल बना के आपको सिखाया जाए ताकि आप इसको इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस टेंजिबल नॉन करंट एसेट। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट को समझने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि एसेट क्या है। ठीक है, एसेट क्या होता है? एक डेफिनेशन आपको FA1 में भी दी जाती है जो कि काफ़ी सिंपल होती है सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। FA2 थोड़ा सा आपका लेवल अप है, तो इसमें हमने देखना है कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट क्या है। तो सबसे पहले हम एसेट को डिफाइन करेंगे कि एसेट क्या है। तो हम कहते हैं एसेट इज़ अ रिसोर्स। ठीक है, एसेट एक रिसोर्स है। एसेट इज आर रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस। ठीक है, एसेट वो रिसोर्स है कि जिसको बिजनेस कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब यहाँ पर है कि उससे बिजनेस बेनिफिट लेता है। ठीक है, एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय अ बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, आपको पता है ना, हम FA1 में ये डेफिनेशन नहीं पढ़ के आए, हम तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन पढ़ के आए FA1 में। अब थोड़ा सा हमने लेवल अपना अप करना है। बाय अ बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एसेट वो रिसोर्स है कि जिसको बिजनेस कंट्रोल करता है, उससे बेनिफिट लेता है। और ये रिसोर्स कहाँ से आया है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट से मुराद यहाँ पर ये है कि ये रिसोर्स हमने परचेज किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आज एसेट परचेज किया है और मैं इसको बेनिफिट फ्यूचर में लूँगा इससे, तो वो जो एसेट मैंने परचेज कर लिया है अब वो पास्ट इवेंट हो चुका है, पास्ट ट्रांजेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब अगली बात इम्पोर्टेंट है, एसेट वो रिसोर्स है, इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस। ठीक है, ये वो रिसोर्स है जिसको बिजनेस यूज करेगा और इससे बिजनेस क्या लेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट लेगा। ठीक है, जब हम बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करते हैं, तो जब वर्ड इकोनॉमिक आ जाता है तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमें क्या जनरेट करके देगा? मनी जनरेट करके देगा। ठीक है, जिस तरह आपने एक मशीन ली है और वो मशीन आप यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद वो मशीन आपको बेनिफिट देगी, उससे गुड्स प्रोड्यूस होंगी, उससे सर्विसेज आप ले सकते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिसको आप बेच के पैसा अर्न करेंगे। तो आपको पता है कि एसेट्स रिसोर्स है जिसको बिजनेस कंट्रोल करेगा, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेगा फ्यूचर में। अब एसेट्स की दो टाइप्स हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक टाइप कहलाती है करंट और एक टाइप कहलाती है नॉन करंट। ठीक है, करंट और नॉन करंट। आपको पता है कि करंट एसेट वो एसेट होता है कि जो बिजनेस को बेनिफिट देता है एक साल के अंदर अंदर। ठीक है, बिजनेस ने उससे एक साल के अंदर अंदर बेनिफिट ले लेना होता है। और जो नॉन करंट एसेट होता है वो बिजनेस को एक साल से ज़्यादा अरसे का बेनिफिट देता है। जब मैं बेनिफिट की बात करूँगा तो बेनिफिट से मुराद होती है इकोनॉमिक बेनिफिट। अब करंट एसेट्स की एग्जांपल आपको पता है, जो कैश बिजनेस में पड़ा हुआ है, जो बैंक बैलेंस बिजनेस का है, जो रिसीवेबल्स हैं, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये सारे के सारे आपके करंट एसेट्स हैं। अच्छा, नॉन करंट एसेट को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। नॉन करंट एसेट्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। एक पार्ट कहलाता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट, जिसको हमने पढ़ना है आज। ठीक है, NCA से मुराद यहाँ पर नॉन करंट एसेट है। और एक कहलाता है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक है, एक कहलाता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट और एक कहलाता है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट हम इंशाल्लाह F3 में पढ़ेंगे। ठीक है, FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हमने टेंजिबल नॉन करंट एसेट पढ़ना है, तो
तो हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब जब वर्ड टेंजिबल आता है तो टेंजिबल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फिजिकल एक्जिस्टेंस हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकें, जिसको आप छू सकें, जिसकी प्रेजेंस को आप फील कर सकें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसको हम टेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अच्छा, टेंजिबल नॉन करंट एसेट का कभी कभी नाम हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नाउ अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सो इट इज़ एन एसेट हेल्ड बाय अ बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। ये वो एसेट है कि जिसको बिजनेस यूज़ करता है 1 साल से ज़्यादा अरसे का। ये तो डेफिनेशन हो गई है नॉन करंट एसेट की, इजेंट इट। अब टेंजिबल की डेफिनेशन बीच में डालनी है, तो नॉन करंट एसेट क्या है? इट इज़ यूज बाय बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड या वन फाइनेंशियल ईयर। आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है, जिसको फाइनेंशियल पीरियड भी बोलते हैं। अच्छा, फॉर यूज, ओके, फॉर यूज वेयर इन प्रोडक्शन, ओके, इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके, फॉर रेंटल टू अदर्स, ओके, या फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेस, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा है? देखें, टेंजिबल नॉन करंट एसेट वो है, एक तो वो नॉन करंट एसेट है, वो बिजनेस को 1 साल से ज़्यादा अरसे का बेनिफिट देगा। और नंबर टू क्या है? बिजनेस को वो कहाँ बेनिफिट देगा? प्रोडक्शन में देगा, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में हेल्प दे सकता है, ओके, आप किसी थर्ड पार्टी को रेंट पे दे सकते हैं, ओके, या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए वो यूज़ हो सकता है। देखें, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ तो आप समझ जाएंगे। देखें, आपके पास एसेट है जो प्रोडक्शन में यूज़ होगा। वो कौन सा एसेट है जो प्रोडक्शन में यूज़ होगा? फॉर एग्जांपल, आपके पास मशीनरी है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, ज़ाहिर आप उसको प्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, इजेंट इट, ओके। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मुराद आपके पास मोटर व्हीकल है, गाड़ी है, बिजनेस के पास वो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और सर्विसेज जो है वो लेके जाएगा, तो ज़ाहिर है वो गाड़ी भी तो आपका टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। फॉर एग्जांपल, आपके पास लैंड और बिल्डिंग है जिसको आपने एक्सक्लूसिवली इसलिए रखा है या आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है, आपने एक्सक्लूसिवली इसलिए रखा हुआ है कि आप उसको रेंट पे देंगे, तो ज़ाहिर है फॉर रेंटल टू अदर्स। जब वो फॉर रेंटल्स टू अदर्स है, इसका मतलब है वो है तो आपका ही टेंजिबल नॉन करंट एसेट। और फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, फॉर एग्जांपल, जो ऑफिस में आपके बिजनेस में फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है, फिक्सचर्स है, फिटिंग्स हैं, ये सारे के सारे आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए एसेट यूज़ हो रहे हैं, ऐसा ही है। तो ये भी तो आपका नॉन करंट एसेट है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, इजेंट इट। और फिर अगर आप ये देखें कि आप इन चारों यूज़ करने से ये एसेट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, देखें आप टेंजिबल नॉन करंट एसेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो मशीनरी है तो प्रोडक्शन में, अगर गाड़ी है तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो थर्ड पार्टी को रेंट कर दिया, या फिर अगर फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, एसीज़ वगैरह हैं, हीटर हैं, तो वो आप अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो चार बिजनेसेस पर्पसेस आप नॉन करंट एसेट से हासिल कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि नॉन करंट एसेट आपको ये चार किस्म के डिफरेंट इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसकी बात हमने डेफिनेशन में की थी एसेट के, ठीक है।
तो एसेट बिजनेस को नॉन करंट एसेट चार किस्म के इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। गॉट इट। अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट में आपको पता है लैंड, लैंड आपको पता है कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना। ओके, साथ बिल्डिंग भी तो होगी उसके। ओके, फिर प्लांट है, फिर मशीनरी है, फिर इक्विपमेंट है, फिर फर्नीचर है, फिर फिक्स्चर है, फिर फिटिंग है, फिर ऑफिस प्रेमिसेस है, फिर आपके पास मोटर व्हीकल है। ये सारी चीज़ें आपकी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, हमने एसेट को भी देख लिया क्या होता है, नॉन करंट एसेट को भी देख लिया, टेंजिबल नॉन करंट एसेट को भी देख लिया जिसको हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। देखें, एक है रिकग्निशन क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया कि कब हम किसी भी आइटम को कहेंगे कि वो हमारा एसेट है, ठीक है। व्हेन वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज एनी आइटम एज आवर एसेट, कि कब हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास टेबल है जो बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि यार क्या ये टेबल मैं बैलेंस शीट में अपना एसेट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो क्या क्राइटेरिया है, तो क्या पैरामीटर्स हैं कि जिनकी बेसिस पे मैं उसको अपना एसेट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एनी आइटम कैन बी कंसिडर्ड एज एन एसेट इफ़ इट इज़ गोइंग टू फुलफिल टू कंडीशंस, ठीक है। दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है, दो कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो मैं उस आइटम को, सॉरी ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेट मी करेक्ट इट, तो हम उस आइटम को अपना एसेट लिख सकते हैं। वो दो कंडीशंस क्या हैं? नंबर वन, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द बिजनेस। पहली कंडीशन ये है कि वो जो आइटम आप यूज़ करेंगे उससे आपके बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, और इस इकोनॉमिक बेनिफिट के होने के इम्कानात, चांसेस प्रोबेबल हैं। अकाउंटिंग में प्रोबेबल का मतलब होता है मोस्ट लाइकली टू हैपन, ठीक है। जब आप गूगल देखते हैं और देखते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस 90% हैं, तो आप कह सकते हैं कि आज प्रोबेबल है बारिश होगी, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट चांसेस हैं, मोस्ट लाइकलीहुड समथिंग हैपन, ठीक है। तो जब भी आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ओके, पहली कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंडीशन, द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकें। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है कि आप मार्केट में जाके डिटरमिन कर सकते हैं ना कि वो टेबल उसकी तकरीबन अमूमी तौर के ऊपर कितनी कीमत होगी। बिल्कुल आप कर सकते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी। तो अगर ये दो कंडीशंस मीट हो जाएं तो आप उस आइटम को अपना एसेट लिख सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो दोनों कंडीशंस मीट हो गई हैं, आगे चलते हैं। अगला स्टेप है हमारा मेजरमेंट, ठीक है। आगे किधर जाना है हमने? मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट क्राइटेरिया की तरफ, ठीक है। अकाउंटिंग में मेजरमेंट का मतलब होता है
किस वैल्यू के ऊपर आप लिखेंगे। नाउ जब भी आप नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो इनिशियली नॉन करंट एसेट इज मेजर्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, जिस कॉस्ट के ऊपर आपको वो एसेट पड़ा है आप उसी कीमत के ऊपर एसेट लिखेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक एसेट है जो आपने $1,00,000 का ख़रीदा है, वो आपको $1,00,000 का पड़ा है, इनवाइस उसकी $1,00,000 की इशू हुई है, तो आप उसको $1,00,000 का ही लिखेंगे इनिशली, वट एवर द मार्केट प्राइस आफ्टरवर्ड इज़, ठीक है। इनिशली जितनी इनवाइस आपको इशू हुई आप उतने ही का एसेट लिखेंगे। हाँ, इट फर्दर इंक्लूड्स ऑल द कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। मजीद क्या, जब तक एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाता उस वक्त तक जितने अखराजात हैं वो एसेट की वैल्यू में ऐड होंगे, ठीक है, एसेट एक्सपेंडिचर बनेंगे जिसको हम कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। वो कौन कौन से अखराजात हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाइना से एसेट मंगवा रहे हैं, अब जो चाइना से एसेट आएगा सबसे पहले आप जो साइट प्रिपेयर करेंगे जिस जगह पे आपने उस एसेट को रखना है उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो साइट प्रेपरेशन की कॉस्ट भी तो उस एसेट में ऐड होगी। नंबर टू, डिलीवरी कॉस्ट, वो जो एसेट ट्रैवल करके आपके पास आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी वो आप उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फिर एसेट जब आ जाएगा तो आप प्रोफेशनल बुला के उस एसेट को उस जगह पे फिक्स करवाएंगे जिसको कहते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आप उस एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ और भी कॉस्ट्स हैं इसमें लेकिन वो अभी आपके लेवल पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिक्स ये कॉस्ट हैं, जब इंस्टॉलेशन कॉस्ट आप पे कर चुकेंगे और वो प्रोफेशनल कहेगा कि अब आपका एसेट बिल्कुल तैयार है, रेडी टू यूज़ है, तो इसका मतलब है कि जितनी कॉस्ट आपने इनकर्ड की है एसेट को रेडी टू यूज़ लाने के लिए आप सब वो एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे। इसको आप कहते हैं क्या, कैपिटलाइज करना, ठीक है, कैपिटलाइजेशन। अच्छा, अब जब के एसेट को आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, अब जाहिर है एसेट ने अब बेनिफिट देना आपको स्टार्ट करना है, आपने एसेट को इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब फ्यूचर में एसेट ख़र्चा मांगेगा तो उस खर्चे को क्या करना है, ठीक है। जाहिर ना फ्यूचर में एसेट ने अपना बेनिफिट आपको देते रहना है फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो एसेट के ऊपर ख़र्चा तो होना ही होना है ना। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं कि जो एसेट की वैल्यू में ऐड करने हैं और कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको ऐड नहीं करना, एक्सपेंस बनाना है, जिसका कॉन्सेप्ट आपने FA1 में एसेट एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्सपेंसेस पढ़ा है, जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी में कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, यहाँ पर बिल्कुल वही है, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के साथ क्या सलूक करना है आपने, वो ये करना है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैन ओनली बी कैपिटलाइज्ड कैपिटलाइज से मुराद यहां पर क्या है, एसेट की वैल्यू में ऐड करना, इन द कॉस्ट ऑफ एसेट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैन ओनली बी कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ एसेट इफ, अच्छा कंडीशन क्या है, इफ इट इन्हांसेस द इकोनॉमिक बेनिफिट, इफ इट इन्हांसेस द इकोनॉमिक बेनिफिट
प्रोवाइडेड बाय द एसेट। ठीक है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो बाद में अखराजात होने हैं एसेट के ऊपर, वो एसेट की वैल्यू में तब ऐड होंगे कि जो एसेट से आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट को क्या कर दें, इन्हांस कर दें। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, इन्हांस है। अब इससे क्या मुराद है कि वो एसेट से आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट को इन्हांस करें, कैसे इन्हांस होगा? अगर जो बाद में ख़र्चा आपने किया है वो एसेट से आने वाली प्रोडक्टिव प्रोडक्शन को इनक्रीज़ कर दे, यानी कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी अगर इनक्रीज़ कर दे, ओके, या फिर वो ख़र्चा आपकी टोटल जो एसेट से आने वाली इनकम कैपेसिटी है, अर्निंग है, वो बढ़ा दे, या वो ख़र्चा एसेट को एक्सटेंड कर दे, एक्सपेंड कर दे। पहले दो शेल्फ्स थी, अब आपने एक शेल्फ और डाल दी है तो आपका एसेट थोड़ा बड़ा हो गया, या फिर वो एसेट के ऊपर जो ख़र्चा आपने किया है वो एसेट के ऊपर डेली रूटीन के आने वाले एक्सपेंसेस को कम कर दे। क्या मतलब? आपने स्टेबलाइज़र इंस्टॉल कर लिया अपने एसेट एसी के साथ, अब बिजली कम यूज़ हो रही है और आपका बिल कम आ रहा है, तो ये जो स्टेबलाइज़र का ख़र्चा है ये एसेट की वैल्यू में ऐड कर देंगे, क्योंकि डेली रूटीन के जो अखराजात एसेट पे हो रहे हैं बिल की फॉर्म में, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी किस्म का ख़र्चा आप करते हैं जो एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्हांस नहीं करता बल्कि मेंटेन करता है, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनी अदर एक्सपेंस दैट मेंटेन्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई ख़र्चा ऐसा है जो एसेट से आने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट को इन्हांस ना करे बल्कि क्या करे, मेंटेन करे, ठीक है, तो वो ख़र्चा एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं होगा बल्कि वो एसओपीएल में रिफ्लेक्ट करेगा। मेक सेंस? ओके, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट नॉन करंट एसेट के अंदर है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अभी मैं बिल्कुल लो लेवल के ऊपर समझाऊंगा आपको F2 में डेप्रिसिएशन क्या है, और F3 में फिर हम डिटेल में घुस जाएंगे कि डेप्रिसिएशन का असल में कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्यों करते हैं, इसके पीछे रैशनल क्या है, रीज़न क्या है। अभी सिर्फ आपको टेक्निकल कैलकुलेशन आनी चाहिए डेप्रिसिएशन की, F3 में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बड़ी स्लैंग सी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ डेप्रिसिएशन के बारे में, फॉर्मल नहीं दे रहा, ताकि आप सिर्फ इसको याद रखें कि डेप्रिसिएशन इज़ दी परमानेंट बट ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक तो ये मुस्तकिल होनी है और आहिस्ता आहिस्ता होनी है, ठीक है, और टेंजिबल नॉन करंट एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको आपने डेप्रिसिएशन कहना। हालांकि ये इसका एक्चुअल रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक किस्म का लॉलीपॉप दे रहा हूँ ताकि आप इसको फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हज़म कर लें। ठीक है, रियल कॉन्सेप्ट हम F3 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे जैसे आप एसेट इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में FA2 में देर आर टू टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन मैथड्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन के दो मैथड्स हैं, टू टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन
मेथड्स, ठीक है? डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स हैं, एक मेथड कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मेथड कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड और वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम SLM बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम RBM बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, स्लैंग लैंग्वेज में। अब व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, तो पहले हम हेडिंग दे देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स हैं, एक मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और एक मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या इससे ज़्यादा मेथड्स भी हैं? जी, काफ़ी मेथड्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में फ़िलहाल मशहूर ज़माना ये दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, नाउ लेट्स गो विद द स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके जी, अच्छा मैंने इस तरह किया, मैंने पहले से ये स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आपके लिए टाइम भी कम बचे और जल्दी से हम कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लें। देखें, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है? कहता है कि ईच ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड में पहला नुक्ता आपने याद रखना है कि हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज होगी, ठीक है? एसेट जितने का आपको पड़ा, 1 लाख का, 1.5 लाख का, जितने का भी। दूसरा नुक्ता ये है, इंपॉर्टेंट बात, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम ईच ईयर। जाहिर है कि जब आपने हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी तो सेम रहेगी। इफ़ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन, कहता है कि अगर आपको सवाल के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड में, देन फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज, ठीक है? तो फिर आपने ये नीचे जो फार्मूला दिया हुआ है वो इस्तेमाल करना है। वो फार्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालने के लिए आपने जो एसेट की कॉस्ट होगी, अच्छा ये जो है ना, ये एसेट की कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालने के लिए जो आपको एसेट की कॉस्ट दी हुई होगी, आपने उस एसेट की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है। ये जो स्क्रैप वैल्यू है इसको रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? ये एस्टिमेटेड अमाउंट होती है कि जब एसेट आप इस्तेमाल कर लेंगे 5 साल तक, 10 साल तक, तो 10 साल के बाद एसेट कितने का बिकेगा। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं रद्दी वाली कीमत, कि रद्दी वाला उस एसेट को कितने का लेगा। 1 लाख का एसेट आज हमने ख़रीदा है तो हम इस्टीमेट लेते हैं कि यार हमें ये 10 साल बेनिफिट देगा, और 10 साल के बाद ये कितने का बिकेगा वो भी आज इस्टीमेट लेंगे कि हो सकता है कि उस टाइम 5,000 का बिकेगा। तो वो 5,000 आपने यहाँ लिख देना है रेजिडुअल वैल्यू में। अच्छा, डिवाइडेड बाय आपने इस्टीमेटेड यूज़फुल लाइफ करनी है। इस्टीमेटेड यूज़फुल लाइफ का मतलब है कि एसेट आपको कितना अरसा बेनिफिट देगा, आप उसका अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो 10 साल जो मैंने आपको कहा, ठीक है? अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं दिया हुआ तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस करेंगे क्या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, जो कि आप इस्टीमेट लेते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसको आप कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट। ओके, सो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला है, ठीक है? यानी कि ये जो आपका न्यूमिरेटर है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इसका फार्मूला नीचे है कि कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आती है, ठीक है? अब स्ट्रेट लाइन मेथड को कैसे स्ट्रेट लाइन मेथड हमने अप्लाई करना है? आसान तरीका ये है कि आप एक सवाल लिखें और सवाल के बाद स्ट्रेट लाइन मेथड का मैकेनिज्म आप समझ लें, ठीक है? तो मैं एक सवाल लिखने लगा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? अच्छा, मैंने एक सवाल कॉपी किया है और इसको मैं बताता हूं कि पहले पढ़ लेते हैं फिर बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। ऑन 1 जनवरी 2021 अली परचेज एसेट फॉर $100,000, ठीक है? 1 जनवरी 2021 को अली ने एक एसेट ख़रीदा है, कितने का? $100,000 का, विच एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 10 ईयर, जो कि 10 साल आपको बेनिफिट देगा।
SLM इज़ यूज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. स्ट्रेट लाइन मैथड कहता है आप अप्लाई करेंगे 10% उसकी डिप्रिसिएशन होगी. इफ एसेट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2023, कहता है कि अगर आप एसेट को 31 दिसंबर 2023 को बेच दें 3 साल के बाद फॉर $71,000 71,000 का, फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल. आप ये बताएं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो इसमें बेसिकली आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का भी पता चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कैसे होता है, और वो अप्लाई करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एसेट बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने कॉलम्स बनाने लगा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए. अच्छा, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनाए हैं. जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो फिर आपको कॉलम शॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर कर रहे होंगे. ठीक है. अच्छा, इस सवाल में हमने एसेट खरीदा था 1 जनवरी 2021 को, तो डिप्रिसिएशन हमेशा साल के आखिर में हम चार्ज करते हैं. ठीक है. अब हमें जो मेथड दिया गया है इसमें वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी हमें दिया हुआ है 10%. तो पहला साल स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 को, ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2021 को. एसेट हमें कितने का पड़ा था? एसेट पड़ा था हमें 1,00,000 का. ऐसा ही है, पहले साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हर साल डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज होगी. तो 1,00,000 का 10% लें, डिवाइडेड बाय 100 करें तो 10,000 आता है. अगला कॉलम है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का, जिसको आप एग्रीगेटेड डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं. एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब इकट्ठी हुई हुई डिप्रिसिएशन, जमा की हुई. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पॉकेट मनी अगर इस महीने से स्टार्ट हो रही है 10,000, तो पहली पॉकेट मनी आपकी एक्यूमुलेटेड पॉकेट मनी होगी. अगले महीने 10,000 आपको दोबारा मिलेगा, तो आप कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड पॉकेट मनी पिछले महीने की 10, अगले महीने की 10, तो मेरी अब 20,000 होगी है. सेम गोज़ विद हेयर, पहले साल की डिप्रिसिएशन जितनी होगी एक्यूमुलेटेड भी उतनी होगी. कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है कि साल के आखिर में वो एसेट हमारे मुताबिक कितने का बचा पड़ा है. कैरिंग अमाउंट का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन. ठीक है. ए डबल सी से मुराद एक्यूमुलेटेड, डी ई पी से मुराद यहाँ पर डिप्रिसिएशन है. तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 1,00,000 है. 1,00,000 में से अगर आप 10,000 माइनस करेंगे, देखें ना, 1,00,000 माइनस 10,000, तो पीछे कितना बचा हुआ आएगा? 90,000. तो 90,000 आपका एसेट बचा हुआ. ठीक है, एक साल यूज़ हो गया. अब अगले साल चलते हैं. अगले साल 31 दिसंबर 2022, ऐसा ही है, कॉस्ट वही है एसेट की. अब स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन ईच सेम ईच ईयर. क्यों? क्योंकि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होनी, ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000 है, तो अगले साल भी चार्ज की डिप्रिसिएशन तो 10,000 आई. अब पिछले साल की 10 पड़ी है, इस साल की 10 पड़ी है, तो कितनी होगी? 20,000 टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है. अब जबकि आपने कैरिंग अमाउंट निकालनी है, तो कैरिंग अमाउंट का फार्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड 20, तो पीछे एसेट कितने का बचा पड़ा है? 80,000 का, इजंट इट. अब चलते हैं तीसरे साल, 31 दिसंबर 2023, एसेट की कॉस्ट है 1,00,000, दोबारा कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगी, चूँकि स्ट्रेट लाइन कहता है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज करनी है डिप्रिसिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर दोबारा हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,00,000 का 10%, तो कितनी आई? 10,000. एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि पिछले साल की इकट्ठी हुई भी और इस साल की, पिछले साल 20 है, इस साल 10 है, तो टोटल अब तक कितनी चार्ज हो चुकी है? 30,000. 1,00,000 का एसेट है, अभी तक 30,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो हमारे पास वो कितने का बचा पड़ा है? 70,000 का. अब सवाल में देखें कि वो कहता है कि हम इस एसेट को बेच रहे हैं 31 दिसंबर को और कितने का बेच रहे हैं? 71,000 का. देखें ना, हमारे पास एसेट पड़ा है 70,000 का, उस एसेट को हम बेच रहे हैं 71,000 का, उसको हम सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 70,000 की चीज़ हम 71 में बेच रहे हैं, तो 1,000 का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल. तो यहाँ से हमें पता चला कि डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत कैसे लेते हैं, और डिप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल सेम रहती है,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है पहले साल की सेम एज़ पर डेप्रिसिएशन, फिर अगले सालों की ऐड होती जाएगी। और कैरिंग अमाउंट का मतलब ये है कि एसेट डेप्रिशिएट होने के बाद कितने का हमारे पास बचा हुआ रिमेनिंग, उसका फार्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डन। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन की जो जर्नल एंट्री है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में देख लेते हैं। और यही आपकी जर्नल एंट्री दूसरे मेथड में भी यूज़ होगी। देखें, जब 31 दिसंबर 2021 को आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा। क्रेडिट आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करेंगे, ठीक है। क्रेडिट आप किसको करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 10,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया 10,000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की नेचर क्या, एक्सपेंस है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ना तो ये इनकम है, ना लाइबिलिटी है, ना कैपिटल है, क्योंकि क्रेडिट तीन चीज़ें होती हैं ना, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल। ये बेसिकली एसेट के अगेंस्ट कॉन्ट्रा है कि वो जो एसेट हमने डेबिट किया था जब हमने उसको ख़रीदा था, रिकॉर्ड डेबिट हुआ है ना, उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है उसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ज़रिए कम करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा का कॉन्सेप्ट आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है जब हम डेटर लेजर कंट्रोल अकाउंट या फिर हम कॉन्ट्रा जो है वो देख रहे थे किसी की वैल्यू, जिस तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में हमने कॉन्ट्रा की बात की थी, ऐसा ही है। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो आप 31 दिसंबर 2021 में SOPL बनाएंगे, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो डेबिट हुआ एक तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये कहाँ जाएगी, ये बेसिकली बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। कैसे, वो जो एसेट आपने कॉस्ट के ऊपर लिखना है उस एसेट में से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एसेट पीछे 90,000 का बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और ये 90,000 क्या कहलाएगी, एसेट की कैरिंग अमाउंट। मेक सेंस। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ क्या सलूक करना है, इसको एक्चुअली एसेट में से माइनस नहीं करना, एसेट के लेजर में ये नहीं जाती, क्योंकि देखें ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट एसेट तो कहीं पर भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हो रहा, बल्कि डेप्रिसिएशन हो रही है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ शो करवाई जाती है बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू में से माइनस करके, ठीक है। अब अगले साल क्या होगा, 31 दिसंबर 2022 को यही जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पिछले साल आपने चार्ज की थी वो क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी, उसका लेजर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपने उसका ओपनिंग बैलेंस जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, ये आपका कॉन्ट्रा है अगेंस्ट एसेट, कॉन्ट्रा का मतलब ओपोजिट बैलेंस, एसेट का डेबिट है तो उसके कॉन्ट्रे का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखें, डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है वो तो जाके SOPL में क्लोज हो गया, लेकिन जो भी चीज़ बैलेंस शीट में आती है वो क्लोज नहीं होती, बल्कि उसका फिर अगले साल ओपनिंग बैलेंस होता है। एक्सपेंस और इनकम का कोई अगले साल बैलेंस ओपनिंग नहीं होगा, वो SOPL में रिफ्लेक्ट करके ख़त्म हो जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस था जो कि हमने रिफ्लेक्ट किया था एसेट में से माइनस करके, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस हो गया था ना। अब अगले साल यही बैलेंस ओपनिंग बनेगा, अगले साल दोबारा आपने डेप्रिसिएशन कितनी ली थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप डेबिट करेंगे 10,000 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, ठीक है। तो अगले साल दोबारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज हुई है ना, और ये 10,000 जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट साइड पे चले जाते हैं, ओपोजिट रीज़न क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो साल के आखिर में जब आप देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितनी अमाउंट बची पड़ी है, 10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 20,000, 20,000 एंड दिस इज 20,000, ऐसा ही है। तो ये आ गया आपका बैलेंस कैरी डाउन 20,000, गॉट इट। तो देखें ना, दूसरे साल के आखिर में डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड कितनी थी, 20,000 थी। अब अगर आप मुझे कहें कि सर ये रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ना दिया होता, एज्यूम करते हैं, तो क्या फिर हम फार्मूले के तहत डिप्रिसिएशन निकाल सकते थे, यस बिल्कुल।
देखें फार्मूला क्या है, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना है। कॉस्ट कितनी है डेप्रिसिएशन की, वो फार्मूला मैं यहाँ पर ना यूज़ करने लगा हूँ। हेयर एसेट की कॉस्ट है 1 लाख, माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू जो कि सवाल में नहीं दी हुई तो 0 है, डिवाइड करेंगे यूज़फुल लाइफ 10 से तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, $10,000। अगर रेट ना दिया होता तो डेप्रिसिएशन 10 निकली है, तो देखें रेट के साथ भी हमारी डेप्रिसिएशन कितनी निकली थी, 10 ही निकली थी। तो इस तरह आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मेक सेंस। अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को चलते हैं, वो हमारा वीडियो का अगला हिस्सा है।